जय श्री राम। साई किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी, जो बहुत ही सरल विधि से बनाना है मुझे। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें एक चम्मच थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये देखिए, जिससे हमारा मैक्रोनी अच्छे से पक जाए। और एक चम्मच हम तेल डालेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए दो कटोरी मैक्रोनी लिए, अब इसे बॉयल पानी में डालेंगे पकने के लिए। अब इसको जब तक ये पकता नहीं है हम इसको पकाएंगे अच्छे से 5 मिनट तक। थोड़ा सा हिला देंगे इसे और इसे फुल फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये दबने लगा, ये पक चुका है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, जिससे हमारा पास्ता एकदम खिला खिला अलग अलग रहेगा। गैस को ऑफ कर दिया, अब इसे छान लेंगे स्टेनर में। मैक्रोनी को भी मैंने देखी अच्छे से छान लिया स्टेनर में, ये कितना अच्छा फुल के हो गया है ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम थोड़ा कम ही डालेंगे, हमें केवल प्याज को भूनना है थोड़ा सा। ये छोटा 4 चम्मच हम यहाँ पे तेल ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें मलाई का भी यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे तेल कम डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये अदरक लहसुन लिया है, 2 कली लहसुन का लिया है, थोड़ा सा अदरक इसे डालेंगे। कढ़ाई हमारा थोड़ा गर्म है, और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे अच्छे से, लहसुन को अदरक को। ये देखिए लहसुन अदरक थोड़ा सा हमारा रोस्ट हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, मैंने 2 छोटे साइज का प्याज लिया है, प्याज ऐड करेंगे। अब मैंने एक शिमला मिर्च छोटे साइज के लिया है, शिमला मिर्च के लिए इसमें डालेंगे। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च, देखिए हमारा काफ़ी अच्छा से हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और इसमें कलर भी आ गया। अब हम इसमें ये टमाटर मैंने लिया है, 2 टमाटर उसका प्यूरी बना लिया है, और इसको हम ऐड करेंगे इसमें। और इसमें थोड़ा सा ऑयल जब छोड़ेगा तब हम इसमें मलाई डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है, 1/4 चम्मच, क्योंकि इसमें मैक्रोनी वगैरह में पास्ता में हल्दी वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ही हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा सा, बच्चे जितना मिर्च पसंद करते हो कम ज़्यादा आप उस हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि पास्ता मैक्रोनी वगैरह बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा मिर्च डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से मिर्च वगैरह। अब देखिए इसमें टमाटर में भी थोड़ा कलर आ गया, और इसमें मैंने मलाई, ये देखिए मैंने 2 चम्मच मलाई लिया था, इसको घर का ही मलाई है फ्रेश, इसको मैंने इस तरह से अच्छे से फेंट लिया और ये क्रीमी जैसा हो गया है। तब हम इसको इसमें डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मैक्रोनी का। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम ग्रेवी वाला मैक्रोनी बना रहे हैं यहाँ पे। अगर हम टमाटर चॉप करके डालते हैं तो उससे उतना ग्रेवी नहीं आता है, इसे टमाटर प्योरी बना के ग्रेवी अच्छा बन जाता है और पास्ता मैक्रोनी भी अच्छी लगती है। हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है इस तरह से। अब हम इसको जब तक इसमें घी ना छोड़ दे तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। इसे मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे से भूनेंगे।
ये मलाई एकदम छोड़ने लगे घी, हम इसमें और सामान ऐड करेंगे। अब ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ गया, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये नमक है, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक ये मैक्रोनी उबालते समय भी थोड़ा डाला था, इसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे सोया सॉस है, सोया सॉस डालेंगे हम 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये अपना मैक्रोनी जो है उसको ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मैक्रोनी में हमारे। और गैस को हम थोड़ा सा मिक्स करते समय गैस को थोड़ा सा मीडियम करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर वगैरह आ गया है, और कितना देखने में टेस्टी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब हम इसमें 1 चम्मच चिली सॉस है वो डालेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस, धनिया पाउडर थोड़ा सा, बस हम इसे अच्छे से मिक्स करें। गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखें। ये देखिए हमारा मैक्रोनी एकदम रेडी है सर्व के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी मैक्रोनी बन गई है तैयार। ये देखिए हमारा मैक्रोनी एकदम बन के रेडी है, मैंने इसे सर्व कर लिया है। आपको ये हमारी मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।